पहले ट्रांसफॉर्मर को या फिर कोर उत्तर तरफ को दो और कोर दिखेंगे। अब इसमें जो उत्तर है ये जो आपका हॉरिजॉन्टल है ये आपका कोर ठीक, और जो आपका वर्टिकल दिख रहा है ये एक दो और ये तीन, ये क्या कहता है आपका लिंब, ये जो आपका लिंब ये हो गया योग। तो दो योग हुए एक ऊपर और एक नीचे और ये में एक दो तीन, ये जो बीच वाला है ये है आपका सेंट्रल लिंब। अब इसमें क्या होता है सेंट्रल लिंब में या प्राइमरी और सेकेंडरी वाइटिंग किया जाता है। प्राइमरी वाइटिंग जो ऊपर जो दिख रहा है मतलब प्राइमरी ऊपर लेवल पर वाइटिंग किए तो फिर टाइमर शुरू हो रहा है और उसी के जस्ट नीचे सेकेंडरी वाइटिंग, तो दोनों ही वाइटिंग एक दूसरे के ऊपर रहती है, इसको आप लोग सेकेंडरी वाइटिंग में बोलते हैं ठीक है। ये हुआ आपका सेकेंडरी ट्रांसफॉर्मर। अब सेकेंडरी ट्रांसफॉर्मर कंस्ट्रक्शन कैसे होता है, सेकेंडरी ट्रांसफॉर्मर ये आप देख रहे हैं ये नीचे का पार्ट है ध्यान दीजिए तो ऊपर देखो ई का ई जैसा दिख रहा है ये देखो सेकंड का प्रॉब्लम ऊपर एक ई है नीचे आई सेक्शन है, अब इतना भी आई सेक्शन की सेक्शन में इस समय क्या रहते हैं रिलेटेड रहते हैं आपका ट्रांसफॉर्मर एन टू से रिटर्न है एन वन, एन टू कहाँ पर है आपका सेकेंडरी वाइंडिंग है, अगर यहाँ की वाइंडिंग सेकेंडरी वाइंडिंग अगर आपकी प्राइमरी वाइंडिंग से ज्यादा है ठीक है तो क्या होता है इस टाइप ऑफ ट्रांसफॉर्मर, अगर सेकेंडरी वाइंडिंग आपकी ज्यादा है तो उस केस में आपका वोल्टेज वी टू भी आपका सप्लाई वोल्टेज जी वन से ग्रेटर रहेगा, इस टाइप ऑफ ट्रांसफॉर्मर। अब इसी में आपकी स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर, स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर के लिए क्या कंडीशन होगी आपकी
साइकिल देखते हैं, अगर आपका आपका वजन ज्यादा आ गया, नॉर्मल वजन ज्यादा है तो वो होगा आपका इसमें अप ट्रांसफॉर्म, और अगर वोल्टेज कम है, नंबर ऑफ टर्न्स कम है तो वो होगा इसमें डाउन ट्रांसफॉर्म। ठीक, ये हुआ आपका ट्रांसफॉर्मर दो टाइप का, अकॉर्डिंग टू कंस्ट्रक्शन अकॉर्डिंग टू वोल्टेज लेवल दोनों देख लिए। अब तीसरे टाइप का है लगाते हैं, इलेक्ट्रिक एनर्जी और कैपेसिटी। तो तीनों पहले